हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको फ्रंट पेज कैसे फिल करना है अपने रेडीमेड असाइनमेंट से। तो जब आप असाइनमेंट बना लोगे, आपने पूरे डिटेल्स लिखी होंगी यहाँ पे, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, क्वेश्चन आंसर सब। जैसे ही आपने पूरा असाइनमेंट बना लिया है, रेडी टू सबमिट है, तो आपको उसके आगे फ्रंट पेज अटैच करना होगा। तो ये जो फ्रंट पेज है, ये इग्नू के तरफ से अप्रूव्ड फ्रंट पेज है, तो आप इसे लगा सकते हो। एंड आपको ये फ्रंट पेज अगर हमसे चाहिए तो आप दिए गए दो नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हो एंड फ्रंट पेज मांग सकते हो। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं कि आपको आपके असाइनमेंट से कैसे फिल करना है आपका फ्रंट पेज। तो ये अगर आपने चार कोड्स बनाए या छह कोड्स बनाए, तो सबके आगे अलग अलग फ्रंट पेजेस अटैच होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि आपका सबसे पहला फील्ड है स्टडी सेंटर कोड, तो अब आपको ये कहाँ से मिलेगा? तो स्टडी सेंटर कोड आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर या फिर समर्थ पोर्टल पर मिल जाएगा। तो आपको ये देखना होगा, ये दोनों में से किसी पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो सपोज मैं आपको एक फिल करके दिखा देती हूँ। 0712 आपने स्टडी सेंटर कोड भर दिया, ये विवेकानंद कॉलेज का है, तो जिन स्टूडेंट्स का होगा वो ये भर सकते हैं। एल्स आपको अपना स्टडी सेंटर कोड चेक करना पड़ेगा इन दो जगहों से, एंड लास्ट जो होगा वो किसी किसी सेंटर के तो पूरे बॉक्सेस फिल हो जाएंगे, बट स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि हम यहाँ से शुरू कर दें फिल करना, तो आप उसको छोड़ सकते हो, लास्ट वाले को लीव कर सकते हो, क्रॉस बना सकते हो, या फिर ऐसे ब्लैंक भी छोड़ दोगे तो चल जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आ जाते हैं प्रोग्राम पे। तो जिस भी प्रोग्राम में आपने एनरोल किया अपने आपको, आपको यहाँ पे वो लिखना है। तो जैसे कि MGPE 007, तो हमने देखा ये MPS का कोड है, तो हमें यहाँ पर ये भरना है। जैसे अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स में लिया है या मास्टर्स इन इंग्लिश में लिया है, तो आपको यहाँ पे MEG भरना होगा, MCOM, BCOM, जो भी आपका एडमिशन है प्रोग्राम जिसमें आपने अपने आपको एनरोल करवाया है, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अब बात करते हैं एनरोलमेंट नंबर की। तो यहाँ पर काफी कंफ्यूजन रहेगा कि यहाँ पे 9 डिजिट है एनरोलमेंट नंबर एंड बॉक्सेस 9 है, बट अब स्टूडेंट्स के 10 डिजिट के एनरोलमेंट नंबर आने शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि 10th डिजिट के लिए ये फ्रंट पेज जो है वो गलत है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे एक बॉक्स मैन्युअली बना सकते हो खुद से एंड अपना लास्ट डिजिट फिल कर सकते हो यहाँ पे, तो ये इससे डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी। इग्नू इसको ऐसे ट्रीट नहीं करेगा कि ये कैंसिल कर दें या फिर ये फ्रंट पेज गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप भर सकते हो जैसे जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, मैं भी ऐसे ही भर देती हूँ। सपोज ये आपका एनरोलमेंट नंबर है, ये अब आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपके आईडी कार्ड पे होगा ऑलरेडी, तो आप ये आईडी कार्ड से चेक करके फिल कर दोगे अपना एनरोलमेंट नंबर जो भी आपका होगा। 9 डिजिट्स है तो 9 डिजिट्स, एंड जो न्यू एडमिशन है वो 10 डिजिट्स का होगा ही उनका, तो आप एक बॉक्स मैन्युअली बनाकर लास्ट डिजिट वहां फिल कर देना। नेम में आप अपना नेम भर सकते हो, जैसे कि मैं कोई भी रैंडम नेम भर देती हूँ, सपोज दिव्या मैंने भर दिया, तो जो भी आपका नाम है अकॉर्डिंग टू द आईडी कार्ड इग्नू के, वो ही आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे आपने नाम फिल कर देना है अपना। कोर्स कोड, अब आपका जो असाइनमेंट बना हुआ है उसमें से आप देख सकते हो कोर्स कोड है आपका MGPE 007, तो आपको यहाँ पे फिल करना है MGPE 007। कोर्स कोड हमारा ये होता है, कोर्स टाइटल हमारा टाइटल होता है, जो भी कोर्स को टाइटल गिवन है। सो यहाँ पर आप जैसे कोर्स टाइटल में फिल करोगे, अब यहाँ से देखकर भी फिल कर सकते हो आप, सपोज नॉन वायलेंट मूवमेंट्स आफ्टर गांधी। सो मैंने ये फिल कर दिया यहाँ से देखकर, तो आपको ये देखना है, ध्यान से देख लीजिए, ये होगा आपका कोर्स कोड एंड ये होगा आपका कोर्स टाइटल, तो आपको ये यहाँ से देख के फिल कर देना है। बस यहाँ से आपको यही दो चीजें पिक करके यहाँ डालनी है। अब आपका सेशन आ जाता है, तो जो भी सेशन का आपने असाइनमेंट बनाया है, क्वेश्चंस जो भी आपके असाइनमेंट के होंगे वो किस सेशन के हैं, तो जैसे कि 2022 से 23 तक का जो सेशन चल रहा है अभी, वो आप फिल कर दोगे यहाँ पे। एड्रेस में आपको अपना एड्रेस डालना है जो आपने दिया होगा, ये भी आपको आईडी कार्ड पे मिलेगा इग्नू के, जो भी आपका एड्रेस फिल्ड आउट होगा आपने वहां पे फिल करा होगा। तो जैसे कि आपने जो भी XYZ अपार्टमेंट नियर बाय कुछ भी जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो।
यहाँ पे पिन कोड डाल दो, तो जो भी आपका एड्रेस है आपको वो फिल करना है, जो भी आपके आईडी कार्ड में मेंशन है। यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए कि वहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है। फोन नंबर भी आपको अपना फिल आउट करना है, तो आप अपना फोन नंबर जो भी होगा वो भर सकते हो, जो भी आपका फोन नंबर है वो यहाँ पे भर दो। एंड ईमेल एड्रेस में आपकी वो वाली ईमेल डालना जो आपके पास है एंड आपकी है। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी होती है वो साइबर कैफे वाले से कभी कुछ करवाते हैं फिल आउट, तो उनकी ईमेल आईडी भरवा देते हैं। तो आपको वो ईमेल आईडी डालनी है जो आपके पास लॉग्ड इन है, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको इग्नू को देनी है या इग्नू से आपको पता करनी है तो आपकी यही वाली ईमेल एड्रेस से जानी चाहिए। तो जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर आप डाल दोगे तो यहाँ पे आपका डल जाएगा। वो डेट ऑफ सबमिशन, जिस डेट पे आप सबमिट कर रहे हो, जैसे कि वो वाली डेट डाली, जैसे कि यहाँ पर आपने सपोज करो आपने आज की डेट में ही सबमिट करना है इसको, तो आप यहाँ डाल दोगे 29/04/2023। आपने इसको परसों सबमिट करना है तो उसके अकॉर्डिंग डेट डालोगे। तो जिस भी डेट को आप सबमिट कर रहे हो डेट ऑफ सबमिशन, आप यहाँ पे वो डाल दोगे। सिग्नेचर, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर डाल दोगे, जो भी आपका सिग्नेचर होगा आप ये सिग्नेचर कर दोगे यहाँ पे अपने, एंड उस अकॉर्डिंग आप फिर इसको इस असाइनमेंट के आगे अटैच कर दोगे। तो आपको ये असाइनमेंट के आगे अटैच कर दिया, देन आपका ये पूरा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा विद फ्रंट पेज इसको सबमिट करने के लिए। तो आपको ये देखना होगा आपके जितने भी कोड्स हैं, 4 हैं 6 हैं जो भी हैं, आपको ये देखना होगा, आपको हर कोड के आगे अटैच करना पड़ेगा अलग से फ्रंट पेज। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ये डिटेल्ड है। आपको ये चीज़ें कहाँ, कौन सी चीज़ आईडी कार्ड से मिलेगी, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म से मिलेगी, ये पूरा डिटेल में समझा दिया गया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, कॉमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप रीच आउट कर सकते हैं, जो भी डाउट होगा हम आपका सॉल्व कर देंगे। ऑल्सो अगर आपने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं करे और आपको हमारे हेल्प की नीड है तो आपको फ्रंट पेज फिल्ड आउट भी मिल जाएगा, आप अपना असाइनमेंट के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आपके लिए होम डिलीवरी हो जाएगी एंड आप उसको रेडी टू सबमिट फिर सबमिट कर सकते हैं। एंड आपका सेंटर अगर ऑनलाइन सबमिशन अलाउ करता है तो आप रेडी टू सबमिट असाइनमेंट्स भी हमसे परचेज कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर 2 नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे, व्हाट्सएप आप उन पर कर सकते हैं फ्रंट पेज लेने के लिए भी, असाइनमेंट का ऑर्डर लेने के लिए भी। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।